ठंड ही लगता है तो बोलो क्या करे। स्वेटर पहने बाबू, ठंडी से बचना है तो ठीक है, आप कहते हैं तो हम पहन लेते हैं। कौन है तेरा स्वेटर, जरा दिखा हमको। अच्छा ये वाली है, ठीक है। अच्छा ये वाली है, क्या इसको पहनने से ठंडा रुक जाता है? हाँ बाबू, पहन के तो देखो। ठीक है आप कहते हैं तो हम पहन लेते हैं। अरे हाथ कैसे पार होगा? नहीं नहीं, इसको पार करने का सरल उपाय क्या है जरा हमको भी दिखाओ, आपको भी देखना है। देखो इसको कहते हैं प्लास्टिक, ये प्लास्टिक क्या करेगा? देखो ये हाथ है, हाथ को इस प्लास्टिक में डालो, कर दिया। देखो कितना आसानी से पहना जाएगा। अरे वाह कमाल का आइडिया आपने बताया, ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं, कहाँ जाने की बात हो रहा है? घूमने जाना है। अच्छा बाबू टाइम आने दे, हर जगह घूमना, तेरे को किसने रोका है? अच्छा ठीक है ये हो गया, अब क्या करना है? थोड़ी सी हेयर स्टाइल को सुधारना है। अरे हेयर स्टाइल तो ठीक है बाबू, और कितना सुधारेगा जी, कर यार थोड़ा सा, ठीक है कर ले तेरी मनमानी बाबू। अरे रे अब बाल तो तेरा बड़ा हैवी है, उतना ज्यादा नहीं लगता है पर है। चलिए आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। ठीक है, अरे जो हमको अच्छा लग रहा है, ठीक है तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है बाबू, जब आपको सही लग रहा है तो हम भी सही मान लेते हैं। ओके ओके क्या ले आए आप? अरे इसको बोरो प्लस कहते हैं बाबू, इसे बोरो प्लस है, ठंडी में बोरो प्लस होठ को बचाती है। तेरा भी होठ फटता है? अरे कभी कभी यार, कभी कभी। ठीक है लगा ले बाबू। तो बोरो प्लस कैसे? ऐसे चलो चेक करते हैं, ऐसे ऐसे तो बड़ा अंग्रेजी अंग्रेजी जैसा लगाता है, क्या करेगा बंदा, लगाना पड़ता है। आंखें मिली हो या पल दीदार का होता है।
कैसे कहूँ मैं वो यारा, ये प्यार कैसे होता है, जाने कम लगे फिर कम। अरे हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? हमारी आशा से आप सबको स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। दोस्तों अभी हम जिस लोकेशन में हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चलने वाली बोलो क्या, राजमिस्त्री घटा जी दोस्तों। भले आप लोगों को नफरत हो या कोई सुझाव दे तो अलग की बात है, लेकिन हमको तो पूरा पसंद है कि दोस्तों राजमिस्त्री। यदि राजमिस्त्री ना हो तो ना कोई घर बनेगा, ना कोई मकान बनेगा और ना कोई बिल्डिंग बनेगा जी दोस्तों। दोस्तों अभी हम जैसे में कोई बांस खड़ा कर रहा है, तो जैसे में दोस्तों अभी यहाँ पे प्लास्टर का चल रहा है। देखिए यहाँ पे भाड़ा खोलने की तैयारी हो रहा है जी दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉलम भरा जा रहा है, कॉलम खड़ा किया गया है। ये है तिरिल तालाब, जो कि तिरिल तालाब में लगभग 12 महीना तक पानी रहता है। यहाँ पे इस पूरे बस्ती के बीच में आने के ये पूरे शांति विहार के नाम से जाना जाता है, और ये पूरा बस्ती के बीच में ये तिरिल तालाब पड़ता है जी दोस्तों। काफ़ी आकर्षक है, बहुत ही अच्छा है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी लिल्टन को सेटिंग किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे छज्जे में प्लास्टिक बिछाया जा रहा है ताकि जो भी ढलाई होगा वो फ्रेश निकलेगा दोस्तों। आगे देखिए यहीं पे जस्ट आगे में यहाँ पे छत का सेटिंग हो रहा है, जो कि छत ढलाई किया जाएगा जी दोस्तों। और दूसरा पॉइंट, अभी इस लोकेशन में चारों तरफ मकान ही मकान, मकान ही मकान। किसी को प्लास्टर होना है तो किसी का छत पे ऊपर मकान बनाना है, इस तरह का काम चल रहा है दोस्तों। और जैसा कि आपको दिखाते हैं बहुत ही स्पेशल, देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे लिल्टन का ऊपर में जुड़ाई किया जा रहा है। अब यहाँ पे छत लेवल हो जाएगा लिल्टन जोड़ने के बाद जी दोस्तों। यदि पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों।